नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का को सॉल्व करते हैं। यूपीपीसीएस 2015 प्रारंभिक परीक्षा जीएस फर्स्ट पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस एस के सिंघा को अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो यह बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने 11 जनवरी 2015 को जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिंघा को बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जो मुस्लिम बहुल प्रांत में प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा नगर है 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, आगरा वाराणसी मेरठ है, शामिल है, इलाहाबाद नहीं है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2014 में जिन 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति दी गई, वे हैं आगरा मेरठ वाराणसी लखनऊ। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से सम्मान नहीं है? तो इसमें है इला गांधी, माला मेहता, सत्या नडेला, अशरफ पलार कुन्नू मत, ये भी शामिल है, इला गांधी नहीं। 13वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन 7 से 9 जनवरी 2015 के मध्य गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में मंदिर में किया गया। इस समागम में कुल 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें इला गांधी शामिल नहीं थी। अगला चौथा है, जनवरी 2015 में निम्न में से किस राज्य ने अपने समुद्री तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा में डॉल्फिन जनगणना का कार्य प्रारंभ किया? तो इसमें है डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने पहली बार 15 फरवरी 2015 को अपने समुद्री तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा में डॉल्फिन जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। अगली बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, फरवरी 2015 में भालचंद्र नेमाड़े को निम्न में से किस पुरस्कार हेतु चुना गया? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फरवरी 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में के स्वर्ण जयंती वर्ष में मराठी भाषा के साहित्यकार भालचंद्र नेमाड़े को वर्ष 2014 का 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नेवाड़े मराठी के चौथे साहित्यकार हैं। अगला छठवां, फरवरी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश ने में उस उन उसके 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण हेतु चलाई गई? ग्रेट ब्रिटेन। फरवरी 2015 में ग्रेट ब्रिटेन ने अपने 4 नगरों में एक साथ पहली बार ड्राइवर रहित कार परीक्षण हेतु चलाई। यह परीक्षण मेल्टन केन्स दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, कोवेंटिये मध्य इंग्लैंड, ग्रीनविच दक्षिण लंदन एवं बेस्टल में किया गया। अगला है सातवां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मार्च 2015 में विमोचित पुस्तक आतंक के साय में किसने लिखी? यह गरिमा संजय। भारत के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने मार्च 2015 को गरिमा संजय की पुस्तक आतंक के साय में विमोचन किया इसका। आठवां क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में हुए संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? तो यह भी स्वच्छ हरित प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। असम की राजधानी गुवाहाटी में जनवरी 2015 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु है स्वच्छ हरित प्रगतिशील भारत के लिए युवा वर्ग। अगला नौवां है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2015 में अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 12 फरवरी 2015 को शिमला में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का शुभारंभ किया। यह 19 करोड़ की परियोजना है जो 13 जिलों के 177 नगरों में 114 पुलिस स्टेशनों को जोड़ेगा। अगला दसवीं बात करते हैं, सड़क प्रतिशत वंश समन मनवंतर और वंशानुचर संकेतक है? तो बी ऑप्शन पुराणों के। सड़क प्रतिशत वंश
मन्वंतर और वंशानु चरित पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी शताब्दी में हुई। पुराणों के रचयिता लोम हर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। 11वां है सूची एक, सूची दो को मिलान करना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अशोक, प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सी ऑप्शन डाइमेकस, नियारकस, अनेसिगेटिव, असिस्टोबुलस आए थे। नियारकस, अनेसिकिटस तथा अरिस्टोबुलस सिकंदर के समकालीन थे, जबकि डाइमेकस सीरियन नरेश अतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार से संबंधित था। 13वां, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन है इसमें द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी नहीं है। इसमें लाइफ ऑफ हैन श्यांग, हुईली हिस्टोरिक, फिलिपिकल पम्पेइस, टोगस द हिस्ट्री हेरोडोटस। द नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी की पुस्तक है जिसमें भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों, पदार्थों की जानकारी मिलती है, जबकि टॉलमी की पुस्तक का नाम जियोग्राफी है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो सी ऑप्शन दंती दुर्ग ने। राजपूत नरेश दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध 1530, ये गलत है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1928 को बाबर और चंदेरी के मदनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने मालवा का प्रदेश जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526, खानवा का युद्ध हुआ 1527, घाघरा का हुआ था 1529। 18वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यह विलियम हॉकिंस। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। जहांगीर उसके से प्रभावित होकर आगरा में बसने तथा 400 की मनसब जागीर प्रदान की एवं इंग्लिश खान की उपाधि दी। अगली बात करते हैं 17वां क्वेश्चन, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो सी ऑप्शन मित्र। मौर्य काल के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात, जनपद, कोष, सेना और मित्र शामिल थे, तो 7वां अंग मित्र था। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा? गाय। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गाय को अगण्य न मारने योग्य माना जाता था। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया? तो ये है दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, आगरा का किला सॉरी इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के काल में हुआ था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे करवाया था, जो 1648 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। दिए गए अन्य किलों का निर्माण बादशाह अकबर के काल में हुआ था। अगला 20वां, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? वे साधारण जमींदार। दक्षिण भारत के पोलीगार जमींदार थे जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्त किया जाता था। अगला 21, सौमेंद्रनाथ टैगोर का स्थापित दल क्या था? तो भी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई, जबकि वोल्सिक नैनिस्ट पार्टी की स्थापना 1942 में सेलोन, श्रीलंका और बर्मा में की गई थी। रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना M.N. रॉय ने वर्ष 1940 में की।
22 का क्वेश्चन है, वर्ष 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों के में भ्रष्टाचार के। वर्ष 1924 में बंगाल में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला, जिसे स्वामी विश्वानंद ने आरंभ किया था, बाद में सी आर दास ने उसे उठाया। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो बी ऑप्शन, डोमिनियन स्टेट से। 24 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो है माउंटबेटन। अगला 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एक महिला श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना था। वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में सी आर दास तथा वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजूमदार थे। अगला 26वां क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बेगम हजरत महल और ब्रिजिस कादर ने किया था, जबकि नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला 27 है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। अगला 28, कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज, सी ऑप्शन है इसमें। कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज था, जिसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, परंतु कनाडा में इसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 29वां है, वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता इटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने को सर पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने जिसके अन्य सदस्य गिब्स और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला 30 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचान जाता है? तो यह बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट। अगला 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका गलत था ये क्वेश्चन। अगला 32, निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो यह बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। यह रूस के साइबेरिया के इलाके में स्थित है तथा 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है। इसकी औसत गहराई 744 मीटर। अगला है 33, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है इसमें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टोगेला प्रपात नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरा झील, विश्व की सबसे ऊंची नाव गम झील है टीटी काटा झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका झील, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात वेनेजुएला में बोलीवर राज्य में स्थित एंजेस जल प्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 34 है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीय दक्षिण गोलार्धों में स्थित है? तो यह कालाहारी। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, जिसकी अवस्थिति अफ्रीका के बोत्सवाना नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में फैली हुई है। दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि अन्य उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला 35, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो बी है इसमें, सूती वस्त्र डिट्रॉयड। इसमें बाकी सम्मिलित हैं कागज ओंटियो, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगुआ। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। 36, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र
राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है तो यह इजराइल। अगला 37, निम्नलिखित में किस देशों के नाम किस किसके साथ मतलब लगभग होता है? 44 कबीलों का देश, तो बी ऑप्शन किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। यह तीन शब्दों से बना है, किर्ग का 40, YZ का अर्थ कबीला और स्तान का अर्थ है क्षेत्र। यह एक स्थलवत मध्य एशियाई देश है। 38 है, निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का बेहतम उत्पादक रहा है 2013 में? तो यह है चिली। वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तांबे के बेहतम उत्पादक देश में चिली 5800 मिलियन टन, चीन 1620 मिलियन टन, पेरू 1400 मिलियन टन, अमेरिका 1370 मिलियन टन है। 39 देख लेते हैं, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो डी ऑप्शन है इसमें दो, जोब मंडल, फिर है इसके बाद समतल मंडल, फिर मध्य मंडल, तापीय मंडल। पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुसार वायुमंडल की परतों का विभाजन है, जोब मंडल, समताप, मध्यमंडल, तारा तापमंडल। अगला है 39 के बाद 40, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है हम लोगों को, तो इसमें डी बी ऑप्शन सही है, 2 4 1 3, मतलब स्वर्णिम यह दक्षिण पूर्वी एशियाई का अफीम उत्पादक क्षेत्र, बरमूडा त्रिकोण यह उत्तरी अटलांटिक महासागर, और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा यह म्यांमार, और रेड बेसिन यह चीन। ठीक है, अगला 41, निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक भूषण। अगला 42, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन पुअर टेनेसी। पहला सही है ग्रैंड कुली कोलंबिया, नोरे सी सही है, नोरे बक्स काहोरा बासा जम्बेजी। पुअर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, एक कंकीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है जो अमेरिका की एरिजोना और नेवादा राज्यों के बीच सीमा स्थित कोलोरो नदी के ब्लैक कैनियन पर स्थित है। 43 देख लेते हैं, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ये ऑप्शन जम्मू कश्मीर। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर के पट्टन में प्रभावित है। अगला 44, निम्नलिखित में कौन सा दूरस्थ नगर नहीं है? तो डी ऑप्शन चरखारी, कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, ये दूरस्थ नगर है। भारत के प्रमुख दूरस्थ नगर 7 हैं, धनुषकोडी, फतेहपुर सिकरी, लखपत मांडू, ओल्ड गोवा, राज आइलैंड अंडमान, विजयनगरम कर्नाटक, कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, इसे भी इसी श्रेणी का माना जाता है। अगला 45, भारत की निम्न जिलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो सी ऑप्शन है आचर झील, अंचार झील, फुलझर झील छत्तीसगढ़ में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, और अंचार झील जम्मू कश्मीर, हमीर सागर झील सर झील ये गुजरात में। अगला 46, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम है? तो इसमें है सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। 2012-13 में भारत के 5 प्रमुख मत्स्य उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल 1490 टन, आंध्र प्रदेश 1675, गुजरात 849 टन, और फिर केरल 678 टन, तमिलनाडु 620। 47 देख लेते हैं क्वेश्चन, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है, इसमें टोडा ये तमिलनाडु में, लेपचा ये सिक्किम, बीरहोर ये झारखंड, गारो मेघालय। अगला 48, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था
तो 17.70%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% थी। 49 निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अवस्थित है, जबकि अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। 50 देख लेते हैं हम लोग। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अष्टामुड़ी ये केरल, पुलिकट ये तमिलनाडु, रूपकुंड है ये अपना उत्तराखंड, सूरज कुंड ये हरियाणा। ठीक है, अब 91। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये है डी रेंगुर। बेसाल्ट लावा के उपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा। यह कपास उत्पादन के लिए लाभदायक होती है। अगला है 52। निम्न नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो बी ऑप्शन है एडन नहर। 53 है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सी ऑप्शन है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। चमकन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। मौलिक कर्तव्यों में शामिल है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। बी ऑप्शन एस ऑप्शन सही है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और डी ऑप्शन भी सही है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अगला 55। निम्न पर विचार कीजिए, निम्न दिए गुट कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कथन यह है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका। कारण है और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्रांत पर धारित करता है, जो भी पहलू। तो सी ऑप्शन है इसमें, ए और आर दोनों सही है। 58 देख लेते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 56। तो कथन है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और कारण है और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन है, ये गलत है किंतु आर सही है। मतलब संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये सही है और वो ये गलत है। ठीक, 57 क्वेश्चन देखते हैं। अगला 57 क्वेश्चन है, संविधान के का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि महिलाओं मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका उपयोग करेगा? तो सी ऑप्शन अनुच्छेद 100। सामान्य स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं देता, परंतु बराबरी की स्थिति में वह अनुच्छेद 100 के अनुसार मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसकी तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। 58 है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों को कानून बना सकती है? तो बी ऑप्शन संसद। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में, अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी सूची के तहत नहीं किया गया। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की अधिकार संसद को प्रदान किया गया।
59 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो ये ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से रिक्त है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर लेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगला 60 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो ये ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई। यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में लाई जाती है जब सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया या फिर दूसरा है, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया। उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक आहूत करती है। इसका अध्यक्ष करता है इसका अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। 61, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? 61 है, ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों तथा भारत में रहने वाले विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को हम निम्न सारणी से समझते हैं। भारतीय नागरिकों को हैं, ये इस तरफ हैं विदेशियों को, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर दूसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, समता, विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाध विचरण एवं निवास संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 में है अनुच्छेद 19, ये 16 में है और ये 14 में, ठीक, 15 में, सॉरी 15, 16, 19, 29 और विदेशियों विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण 14 में है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21-22 में, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 से। अगले बात करते हैं हम लोग 62, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ये है, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण का कारण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों का निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है, तो डी ऑप्शन है इसमें, ये सही है किंतु आर गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये सही है और आर गलत है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण, ये गलत। 63, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस रेट को जारी कर सकता है, तो सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को जारी कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अगला 64, 64 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनिए। कथन एक है, भारत में लिखित संविधान है। कारण आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, बी ऑप्शन है इसमें। आर ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक असही स्पष्टीकरण नहीं है। 65 है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा है,
संवैधानिक अधिकार, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 66 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किस किया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन है 331 द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 331 का संबंध लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से। अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है। 67 है, निम्नलिखित में से किस बात ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो सी ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। 68 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 61। भारत राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के किए जाने पर उसके विरोध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग महाभियोग के विरुद्ध विरोध महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। 69 है, निम्नलिखित में कौन एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? तो सी ऑप्शन नहीं है एक हरिनागरिकता। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे 2 सरकारें, 2 शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक हरी नागरिकता, संविधान का लचीलापन आदि, इस प्रकार एक हरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अगला है 70, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो यह महाराष्ट्र। सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। लोक आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श लिया जाता है। 71 है, संविधान के संशोधन द्वारा किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो यह है अपनी एकानवे संविधान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। इसका आकार प्रधानमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर है, परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 72 है, संसद में शून्यकाल का समय है, तो डी ऑप्शन है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्य काल कहलाता है। इसके बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द का उल्लेख नहीं है, चूंकि यह समय दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर अपहर 1 बजे तक चलता है, इसलिए मीडिया द्वारा इसे शून्य काल कहा जाता है। 73 है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन राज्यों की विधान परिषदों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्य।
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। 74 है भारतीय संसद में शामिल है, तो डी ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। 75 है संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो बी ऑप्शन है राष्ट्रपति में। भारत में संघीय कार्यपालिका का विधान राष्ट्रपति तथा संघ की सभी कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार सौम्य या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अगला है 76, निम्नलिखित में से कौन अब भारत के तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, तो डी है तेल कंपनियां। अगला 77, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। अगला 78, निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्थिति करता है, तो इसमें देखते हैं इसमें कृषि लागत कीमत आयोग। ठीक है, अगला है सी ऑप्शन, कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने का मुख्य कारण किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि उच्च निवेश एवं कृषि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसे कृषि लागत एवं कीमत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अगला 79, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी, तो सी ऑप्शन है 69.72%। अगला SC BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं, तो ए 25। BSE ग्रीनेक्स में सम्मिलित कंपनियों की संख्या 25 है। इसमें उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जाता है जो हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। इसके लिए इन कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन की सीमा को पैमाना माना जाता है। 81 है, निम्न राज्यों में किसमें 40,000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है, तो बी ऑप्शन राजस्थान। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सावर शाल्ट्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर राजस्थान के सामर में 4,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। 82 का क्वेश्चन है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है, तो सी ऑप्शन है इसमें अल्पसंख्यक मामलों के। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण से संबंधित नालंदा परियोजना का शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया। यह परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई थी। 83 क्वेश्चन है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध रहा, तो सी निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए। कांडला गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है, यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। यह वर्ष 1965 में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया। 84 देख लेते हम लोग, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई, ए ऑप्शन है सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए। उद्यमी हेल्पलाइन का शुभारंभ 10 मई 2015 को किया गया। इसकी स्थापना सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए की गई। यह कॉल सेंटर एक ही जगह पर बैंक ऋण अन्य सूचनाओं को इकाइयों तक सुलभ कराएगा। 85 है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह विश्व शौचालय दिवस। सी ऑप्शन इसमें सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शौचालय की महत्ता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्देश्य प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाने की घोषणा की है। 86 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए,
नीचे दी कूट सही उत्तर चुनना है। इसमें कथनीय आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ए ऑप्शन इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगली बात करते हैं 87। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और नीचे दिए गुड्स को सही सम्मिलित करना है। तो ए उत्तर प्रदेश, कथन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। आर, कारण आर भारी निवेश आर्थिक विकास की को सुगम सुलभ करता है। तो ए ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 88 है, नगरीकरण के कारण कारकों के सम कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या है, नगरीकरण के प्रमुख कारण ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, उद्योगीकरण की ऊंची दर। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे जीवन स्तर को नगरीकरण का कारण नहीं माना जा सकता है। 89 है, निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो डी ऑप्शन है इसमें, जयपुर खान, सॉरी जयपुर नहीं, बेला डीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। छत्तीसगढ़ में स्थित इस खान में 120 करोड़ टन लोहा होने का अनुमान है। इन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग हो रहा है। अब 90, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें डी ऑप्शन है, श्रीमन नारायण अकबाल ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन श्रीमन नारायण अकबाल ने किया था। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित थी। श्रीमन नारायण अकबाल का जन्म वर्ष 1922 में हुआ था। ये वर्ष 1967 से 1973 तक गुजरात के गवर्नर रह चुके थे। 91वां है, WTO सम्मिलित करना है सूची को। इसमें बी ऑप्शन सही है। WTO यह सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। IMF यह नम ऋणों की स्वीकृति। अगला है SAARC, यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA यह भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। अगला है 92वां क्वेश्चन, निम्न में किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। तो बी ऑप्शन है इसमें, 2011-12 तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय जैसे नवीन अध्याय को जोड़ा गया। अगला है 93, निम्न में किस राज्य में टिन का एस का प्रमुख भंडार है। तो सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। भारत में छत्तीसगढ़ टिन एस की भंडारण क्षमता में अग्रणी राज्य है। यहाँ देश के 38.11% टन का भंडार है, एस का भंडार है। साथ ही 28.38% हीरा 18.65% लोहे एस का भी भंडार है। 94वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। तो ये ऑप्शन है, प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों पर की संख्या है 940। जनगणना 2011 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत कुल लिंग अनुपात 930 से बढ़कर 940 हो गया, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है। 95वें, निम्न में से किसने वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो बी ऑप्शन, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु मध्यम उपग्रह मंत्रालय ने वर्चुअल क्लस्टर वे पोर्टल का प्रारंभ 8 मई 2014 को किया था। 96, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो यह 16.16। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.16% है।
57 है, निम्न 97वां क्वेश्चन, निम्न कार्यक्रम में कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है? तो डी ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान। वर्ष 2014 में भारत के राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसे 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लेने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। 98वां क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम है? सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सी ऑप्शन सही है इसमें। 99वां, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से? 100वां है, रोगियों के दांत दिखने में दंत चिकित्सकों द्वारा उपयुक्त दर्पण होता है? बी उत्तर। 101वां है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो डी ऑप्शन साइटोकाइनिन। 102वां है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है? तो सी ऑप्शन जल वहन के लिए, वहन के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। 103वां, निम्न में कौन सा सही कथन सही है? तो ये ऑप्शन है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक सौ चार है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? हेलोक्लाइन। एक सौ पांचवा है, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली हेलो हेलो विशालतम है? तो सी ऑप्शन स्पर्म हेल। स्पर्म हेल दांत वाली हेलो में विशालतम हेल है। ब्लू हेल दुनिया की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। ठीक है, अब 106वां क्वेश्चन है हमारा, हमारी हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है? तो इसमें देखते हैं हम लोग, सी ऑप्शन सही है, महाद्वीपीय पर्वतीय हिम नदियों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हमारे उपग्रह में उपलब्ध जल का लगभग 2.5% हिस्सा मृदु जल का है। मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय या पर्वतीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में पाई जाती है। 107वां क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। भारत में गिद्धों की कमी का सबसे अधिक प्रमुख कारण जानवरों की एक दर्द निवारक डाइक्लोफेनेक है। डॉक्टर लेंड्स ने इस बात का सर्वप्रथम पता लगाया था। 108वां है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जैसी गैसें मौजूद रहती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। 109वां, पाइरेहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन सोलर रेडिएशन। पाइरेहिलियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। 110वां, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक है। आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में गहरे जल स्रोतों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की हड्डी त्वचा संबंधी बीमारियां फैलती हैं। 111वां, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सी ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र है, ये गलत है। यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से कौन से युक्त होता है? इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। 112वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है? तो सी ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। 113, निम्न में कौन सही सम्मिलित है नहीं है सॉरी सम्मिलित नहीं है तो डी ऑप्शन कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी सही है, सब सही है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1969
उन्यासी सॉरी 79 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 1997 कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान अस्तित्व में है। कार्बन व्यापार का उत्सर्जन व्यापार एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 114 है, निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो डी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। चलिए अब 115वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये आईरिस स्कोर, आई स्कोर। एक सौ सोलह है, निम्न कालों में से किसे प्रालघु हिमकाल माना जाता है? तो सी ऑप्शन है 1650 से 1870 ईस्वी। लघु हिमकाल मध्यकालीन गर्म समयावधि के पश्चात आया ठंड का समय था। वास्तव में यह एक हिम युग नहीं है। वैज्ञानिक साहित्य में शब्दावली का प्रयोग फेंगकुई ई मेसेस ने किया। लघु हिमकाल का समय सामान्यतः 16वीं सदी से 19वीं सदी माना जाता है। अगला 17, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन है इसमें पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिरेकता झुकाव। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग है। विषुवतीय आयन ये भी है। सौर ग्रहण दंत ऊर्जा ये भी है। 18वां है क्वेश्चन, 118वां, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश विशाल विविध देश कुछ देशों का समूह है जहाँ पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर प्रजातियां उपस्थित हैं और इसलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। वर्ष 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों को मेगा डाइवर्स देश माना। प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत, इंडोनेशिया। 119वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसमें सी ऑप्शन है हैजा। जल जनित प्रमुख रोगों में हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड आदि प्रमुख रोग हैं। इन रोगों के जीवाणु जल में व्याप्त होते हैं। ये अशुद्ध जल के सेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। 120वां है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है एडिफिक। एडिफिक एक प्रकृति है जिसका संबंध मैदा से संबंधित है। एडिफिक गुण मैदा की बनावट, जल निकासी, इसकी उसकी पीएच के रूप में रासायनिक गुण आदि को व्यक्त करता है। अगला 121, मानव शरीर का सामान्य तापमान 58.4 डिग्री फॉरेनहाइट इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है? तो बी ऑप्शन है 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगला 122, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लीजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया? डी ऑप्शन, दोनों हाथों और दोनों पैरों का। टेट्राप्लीजिया को क्वेहरी प्लेरिया प्लीजिया भी कहते हैं। यह बीमारी गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें मनुष्य के हाथ पैर और धड़ सभी में पक्षाघात हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 123, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? तो डी ऑप्शन है जर्मीनियम। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचानक से अचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मीनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। 124, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य बी ऑप्शन एमाइलोस का होता है। 125 है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? सी ऑप्शन रक्तहीनता। 26वां क्वेश्चन है, 126, मानव वृद्धि में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला 127, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बेहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन एपिडेमिक। अगला 128, किसी व्यक्ति का रक्त
आप 140 mmHg है, तो इसके उल्लेख में Hg से तात्पर्य है बी ऑप्शन मरकरी से। अगला 129, कुनेन त्रिकोणपादक किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, डी ऑप्शन छाल। अगला 130, लौंग है तो डी ऑप्शन सूखे फूल। 131 भाई, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, ये शून्य। 132 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो होता है प्रयोग होता है राइबोसोम। 133 है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो ये ऑप्शन प्रकाश का विकिरण। 134 है, निम्न में कौन सा तना है, तो बी ऑप्शन अदरक। 135 है, बॉक्साइड एस्क है, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 136, कहां सा मिश्रित धातु है, तो ये ऑप्शन है तांबा और टिन, ये ऑप्शन सही है। 137 वायन, निम्नलिखित में से किस देश ने गैलोसीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया, तो डी ऑप्शन है ब्राजील। 138 है, मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्टोनोफिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बेहद ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। टेक्टोनोफिजिक्स पत्रिका के अनुसार विश्व का सबसे बेहद ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। 139 है, निम्न में से किसने मार्च 2015 में GST पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसकी ऑप्शन है KM मणि। केरल के वित्त मंत्री KM मणि ने मार्च 2015 में GST पर अधिकार प्राप्त राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति का कार्यभार संभाला है। KM मणि केरल कांग्रेस के दिग्गज नेता है। GST पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों की सर्वसम्मति का समिति का गठन भारत सरकार जुलाई 2000 में किया गया था। 140वां क्वेश्चन है, मार्च 2015 में समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन है, तो डी ऑप्शन दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट भारत का ऐसा पहला न्यायालय है जिसने समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा की है। इसका प्रमुख कारण कारोबारी मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। 141 है, मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बी ऑप्शन है दीपक नैयर ने। विख्यात अर्थशास्त्री एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दीपक नैयर द्वारा लिखित पुस्तक फेसेज एंड प्लेसेज का मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया गया। इस पुस्तक में लेखक द्वारा पिछले 4 दशकों के दौरान लिए गए चित्रों का संग्रह है। 142वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मार्च 2015 में सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई जाती है, तो डी ऑप्शन है क्यूरियोसिटी रोवर। मार्च 2015 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन का पता लगाया है। क्यूरियोसिटी रोवर को नवंबर 2011 में केप केनर वल से छोड़ा गया था। इसे 6 अगस्त 2012 को मंगल की सतह को उतारा गया था। 143वां है, वर्ष 2015 में अर्थ ओवर मनाया गया था, तो बी ऑप्शन है 28 मार्च को। अर्थ और एक पैसिफिक आंदोलन है, इस आंदोलन के अंतर्गत विश्व भर में ऊर्जा मामलों में चिंतित व्यक्ति हर वर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 8:30 से 9:30 बजे तक घर मोहल्ले दफ्तरों आदि में विद्युत का प्रयोग बंद कर देते हैं। वर्ष 2015 में 28 मार्च को अर्थ ओवर मनाया गया था। 144 है, आतंकवाद समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में ग्रीस विश्वविद्यालय में 147 लोगों को कत्ल कर दिया था। यह विश्वविद्यालय अवस्थित है तो केन्या में, गरीसा विश्वविद्यालय केन्या में अवस्थित है। 2 अप्रैल 2015 को आतंकवाद समूह अल शबाब द्वारा विश्वविद्यालय के 147 छात्रों की हत्या करने के कारण यह विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। अगला 145, यमन संचालित ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजोल्व में निम्न में से कौन से देश ने भाग नहीं लिया, तो यह डी पाकिस्तान ने नहीं लिया, कतर कुवैत ओमान ने लिया। स्टॉर्म ऑफ रिजोल्व यमन में संचालित अल हुती नागरिक सेना के विरुद्ध एक संयुक्त ऑपरेशन है। इसमें ओमान को छोड़कर सारे खाड़ी देश सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित प्रमुख देश सऊदी अरब,
संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत, सूडान, मिस्र, पाकिस्तान, मोरक्को, जॉर्डन। अगला 146, चुंबकीय वेधशाला, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया, अवस्थित है तो डी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर। 30 मार्च 2015 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में चुंबकीय वेधशाला का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। इस वेधशाला का निर्माण भारतीय भू चुंबकत्व स्थान संस्थान द्वारा किया गया। 147 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक 2015 भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो बी 37वां। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किए गए ओपन गवर्नमेंट सूचकांक में 102 देशों में भारत का 37वां स्थान, इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर। 148 निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत का सफलतापूर्वक क्षेपण किया गया, तो ये ऑप्शन है GSLV-3। 18 दिसंबर 2014 को भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान MK-3 का इसरो द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। 149 जनवरी 2015 में आरंभ किए गए भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट निम्न में से किसके विरुद्ध है, तो बी ऑप्शन है असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध। जनवरी 2015 में भारतीय सेना द्वारा असम के बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। यह ऑपरेशन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के आतंकियों द्वारा 23 दिसंबर 2015 को असम के कोकराझार और सोनितपुर में 81 जनजातीय लोगों के नरसंहार के पश्चात चलाया गया। 150वां नैनो पलक संबंधित है, तो बी ऑप्शन है एक छोटे सुनने के यंत्र से। नैनो पलक विश्व का पहला एक बहुत ही छोटे छोटा सुनने वाला यंत्र। दोस्तों ये था UPPCS 2015 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2016 का सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे।